Hello my dear students and my dear viewers. Welcome to my channel Learn O Mania. मैं हुसैनी सर आपका स्वागत करता हूँ मेरी चैनल Learn O Mania पर. आज हम ITI बच्चों के लिए जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड में है, इन बच्चों के लिए जो सेकेंड ईयर में है, हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए सेम फोर्थ का पेपर जो 2017 ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में आ चुका है, ठीक है, ये पूरा पेपर रिवाइज करेंगे. आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मैं जल्दी से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत थैंक यू. सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लीज बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे ही मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो को तुरंत देख पाएं. और एक मेरी रिक्वेस्ट होगी, जब आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, और वीडियो को देखते देखते प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा. प्लीज आपका लाइक बटन दबाना मेरे लिए बहुत जरूरी है. इट वर्क्स एज एन इंस्पिरेशन फॉर मी एंड इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस. सो प्लीज आप लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा. तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं. ये पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सैचुरेटेड एयर वेट बल्ब टेम्परेचर इज. अगर एयर सैचुरेटेड है मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी, उस समय वेट बल्ब टेम्परेचर कितना होगा, क्या होगा. इनमें से ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने है. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी. ठीक है, अगर एयर सैचुरेट है तो वेट बल्ब टेम्परेचर जो है इट विल बी इक्वल टू बोथ ड्राई बल्ब टेम्परेचर के जितना होगा वेट बल्ब टेम्परेचर, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी उतना ही होगा जितना वेट बल्ब टेम्परेचर. सो अगर हवा सैचुरेटेड है उस समय WBT मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सेम हो जाता है. ठीक है, सो इस MCQ के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी. चलिए आगे आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. हमारा नेक्स्ट MCQ है फॉर अनसैचुरेटेड एयर. फर्स्ट MCQ का उल्टा है ये. अगर एयर अनसैचुरेटेड है तो इनमें से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. अनसैचुरेटेड एयर मतलब जहां की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो लेस देन 100% होगी. अगर यू रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से कम है उस हवा को अनसैचुरेटेड एयर कहते हैं. सो अनसैचुरेटेड एयर के लिए ए बी सी डी ऑप्शन में से अगेन ये सी ऑप्शन सही है. अगर हवा अनसैचुरेटेड होगी तो उस हवा का ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के मुकाबले ज्यादा होगा. DBT ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल बी मोर देन, ये जो साइन दिख रही है ये मोर की साइन है. सो DBT विल बी मोर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. चलिए आगे आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. हमारा नेक्स्ट MCQ थर्ड वन है, ड्यूरिंग हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन. जब हीटिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं हवा को, कन्फाइन स्पेस की हवा को सिस्टम में, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पर क्या असर होगा. ठीक है, आंसर ए बी सी डी आपके सामने है. आंसर होगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी. जब हीटिंग हो रही है और साथ में ह्यूमिडिटी एड की जा रही है तो कन्फाइन स्पेस के अंदर, ठीक है, कंट्रोल स्पेस के अंदर जो है वहां पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ की तरफ. हमारा नेक्स्ट MCQ है, इन साइक्रोमेट्रिक चार्ट द इंक्लाइंड लाइन शोज द डैश. जो इंक्लाइंड लाइन होती है साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर, वो इंक्लाइंड लाइन इनमें से क्या रिप्रेजेंट करती है. फर्स्ट ऑप्शन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है कुछ ऐसा, ठीक है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन तो ऐसे वर्टिकल होती है.
सो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन इंक्लाइन नहीं हो सकती. दूसरा ऑप्शन है वेट बल्ब टेम्परेचर. यस, वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन कुछ ऐसे होती है इंक्लाइन फॉर्म में. ठीक है, तो यह वेट बल्ब टेम्परेचर सही आंसर है. इंक्लाइन लाइंस जो है वो वेट बल्ब टेम्परेचर की रहती है. सो ऑप्शन बी करेक्ट है. मैं आगे दूसरा ऑप्शन भी देख लेता हूँ, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होती है. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल रहती है, तो ये भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट वन है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन भी कुछ ड्यू पॉइंट की तरह इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रहती है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की स्केल यहाँ बनी रहती है ये तरफ. ठीक है, मेरा पूरा साइक्रोमेट्रिक चैप्टर मैंने किया है, आप जाके देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट का. ठीक है, तो इनमें से जो सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर है वो है वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन. वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन ही साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर इंक्लाइंड होती है. चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वेलोसिटी रिडक्शन मेथड ऑफ साइजिंग द डक्स इज डैश. ठीक है, वेलोसिटी रिडक्शन मेथड, डक्ट की साइज निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं, उसमें से वेलोसिटी रिडक्शन मेथड एक मेथड का नाम है जो हमें डक्ट की साइज निकालने कैलकुलेट करने काम आता है. तो वेलोसिटी रिडक्शन मेथड में, ठीक है, ये ऑप्शन जो ए बी सी डी दिए हैं, ऑप्शन ए है वेरी सिंपल, वेलोसिटी रिडक्शन मेथड से डक्ट की साइज निकालना बहुत सिंपल है. दूसरा ऑप्शन है इस मेथड से अनट्रेंड जो लोग हैं, अनट्रेंड प्रैक्टिशनर्स हैं, अनट्रेंड टेक्नीशियंस हैं, ये भी इस मेथड से डक्ट की साइजिंग निकाल सकते हैं. तीसरा ऑप्शन है यूज बाय ट्रेंड प्रैक्टिशनर्स. ठीक है, जो लोग डक्ट की साइज निकालने के लिए ट्रेंड है वो लोग ही वेलोसिटी रिडक्शन मेथड से डक्ट की साइज निकाल सकते हैं. और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं. सो यहाँ पर वेलोसिटी रिडक्शन मेथड से डक्ट की साइज निकालने का काम सिर्फ ट्रेंड प्रैक्टिशनर्स ही कर सकते हैं, वो लोग ही कैलकुलेट वगैरह कर पाएंगे डक्ट की साइज वेलोसिटी रिडक्शन मेथड से. सो आंसर इज ऑप्शन सी. देखते हैं क्या आंसर यहां पर लिखा हुआ है, सी ऑप्शन सी. चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द कूलिंग कॉइल कॉजेज द चेंज इन डैश टेम्परेचर ऑफ एयर. जो एयर कंडीशनर की कूलिंग कॉइल होती है या जिसे हम इवेपोरेटर कॉइल भी कहते हैं, ये इवेपोरेटर कॉइल की वजह से इनमें से किस चीज का तापमान चेंज होता है, कौन सा तापमान चेंज होता है. सबसे पहला है वेट बल्ब टेम्परेचर, बी ऑप्शन है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, सी ऑप्शन है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, एंड डी ऑप्शन फोर्थ वाला है बोथ ड्राई बल्ब टेम्परेचर एज वेल एज वेट बल्ब टेम्परेचर. इसका करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. जो कूलिंग कॉइल है वो हवा का ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी और वेट बल्ब टेम्परेचर भी चेंज करती है. इजंट इट, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों चेंज होगा, बिकॉज कूलिंग कॉइल जो है वो सेंसिबल हीट भी लेती है और लैटेंट हीट भी लेती है. सो ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों चेंज होना है. सो सिक्स्थ एमसीक्यू के लिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस. जब कन्फाइंड स्पेस के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो इनमें से आपको सही ऑप्शन ढूंढना है, तब क्या होगा. पहला ऑप्शन ड्राई बल्ब टेम्परेचर में इंक्रीज बढ़ेगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो सकता है शायद बढ़े. दूसरा ऑप्शन भी है ड्राई बल्ब टेम्परेचर में डिक्रीज, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो सकता है कम हो. तीसरा ऑप्शन है ड्राई बल्ब टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कुछ कहा नहीं जा सकता, या तो बढ़ेगा या कम होगा. ठीक है, एंड डी ऑप्शन यहाँ पर है None of this.
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर या तो बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है तो इसका ये मतलब नहीं कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। सो द आंसर इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द स्प्रे वॉशर कॉजेस, ठीक है, जो स्प्रे वॉशर रहता है, ठीक है, जो पानी वगैरह से ह्यूमिडिफाई कूलिंग वगैरह करता है, डीह्यूमिडिफाई भी कर सकता है, जो स्प्रे वॉशर रहता है ये इनमें से क्या करता है। सबसे पहला ऑप्शन है डिक्रीज इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। स्प्रे वॉशर जो है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम कर सकता है, कूलिंग करेगा तो कम होगा, इजेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। दूसरा स्प्रे वॉशर जो है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हीटिंग थोड़ी करेगा, स्प्रे वॉशर हीटिंग नहीं कर सकता, स्प्रे वॉशर हीटिंग करता तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होता। सो सेकंड तो बिल्कुल गलत है, मे इंक्रीज और डिक्रीज ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ वाटर बीइंग सर्कुलेटेड। इंक्रीज करना तो सवाल ही नहीं आता, ये तो रॉन्ग ही है जहां पर इंक्रीज का नाम आया। एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो ये नन ऑफ दिस भी सही नहीं है, बिकॉज एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑप्शन ए, ठीक है। स्प्रे वॉशर अगर कूलिंग कर रहा है तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम होगा ही होगा, ठीक है, तो आंसर इज डिक्रीज ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। डक्ट्स आर यूजुअली ऑफ डैश क्रॉस सेक्शन, जो डक्ट रहती है एयर कंडीशनिंग यूनिट्स में, सप्लाई डक्ट, रिटर्न डक्ट, ठीक है, तो ये जो डक्ट है उसका क्रॉस सेक्शनल जो है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो किस शेप का ज्यादातर रहता है। ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी है स्क्वायर शेप, ऑप्शन सी है रेक्टेंगुलर शेप, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। द आंसर इज रेक्टेंगुलर शेप, जो डक्टिंग है वो ज्यादातर रेक्टेंगुलर शेप की बनी रहती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं और सबसे बेसिक फायदा ये है कि अगर रेक्टेंगुलर शेप में होगी तो हाइट वाइज कम जगह घेरेगी, रेक्टेंगुलर डक्ट जो है वो कम जगह लेते हैं हाइट वाइज, ठीक है, तो फॉल्स सीलिंग के अंदर रेक्टेंगुलर डक्ट घुमाना इजी पड़ता है, कम जगह में रेक्टेंगुलर डक्ट जो है वो घूम जाएगा, ठीक है। सो द आंसर इज डक्ट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज्यादातर रेक्टेंगुलर शेप का रहता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है AHU इज यूज्ड विथ, AHU मतलब एयर हैंडलिंग यूनिट, ठीक है, एयर हैंडलिंग यूनिट को AHU कहते हैं, तो AHU जो है इनमें से कौन सी सिस्टम्स के साथ AHU एयर हैंडलिंग यूनिट लगता है। फर्स्ट ऑप्शन पैकेज प्लांट, पैकेज प्लांट तो पूरी कंसोल यूनिट है, पूरी की पूरी यूनिट अलोंग विद कंडेंसिंग यूनिट, एवरीथिंग एक ही यूनिट में होता है, अलग से AHU लगाने की जरूरत नहीं पड़ती पैकेज यूनिट में। दूसरा ऑप्शन बी वाला है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, यस इसमें अलग से AHU लगता है AHU रूम के अंदर। तीसरा है स्प्लिट एयर कंडीशनर, स्प्लिट एयर कंडीशनर में भी एक आउटडोर यूनिट रहता है, दूसरा इंडोर यूनिट रहता है, AHU लगाने की जरूरत ही नहीं है। और चौथा ऑप्शन डी वाला है बोथ A एंड B, ये दोनों नहीं, तो इसमें AHU नहीं लगता, इसमें AHU नहीं लगता, तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है। तो ओनली आंसर इज ऑप्शन बी सेंट्रल AC प्लांट, इसमें एयर हैंडलिंग यूनिट का इस्तेमाल होता है। चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ की तरफ। हमारा नेक्स्ट MCQ है FCU स्टैंड्स फॉर, FCU जो ये एब्रीविएशन है इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, FCU का फुल फॉर्म है फैन कॉइल यूनिट।
ठीक है, फैन कॉइल यूनिट एफसीयू का फुल फॉर्म, तो आप ऑप्शन ए बी सी डी आप पढ़ सकते हैं, आपके सामने है इसमें फैन कॉइल यूनिट, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। सो इस एमसीक्यू के लिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, एयर फिल्टर इन एन एयर कंडीशनर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ डैश। जो एयर फिल्टर होता है एयर कंडीशनिंग मशीन में, इवेपोरेटर के आगे या एएचयू के अंदर, इवेपोरेटर के आगे कहीं पर भी एयर फिल्टर, ये एयर फिल्टर इनमें से क्या साफ करता है? सबसे पहली चीज, सरफेस ऑफ कूलिंग कॉइल। एयर फिल्टर कूलिंग कॉइल को नहीं साफ करता, कूलिंग कॉइल का सरफेस एयर फिल्टर साफ नहीं करता। एयर फिल्टर, इफ यू रिमेम्बर, एयर फिल्टर जो हम लोग लगाते हैं कूलिंग कॉइल के पहले, ये एयर फिल्टर आती हुई हवा को, कन्फाइंड स्पेस की जो सर्कुलेटेड हवा है, रिसर्कुलेटेड हवा है, उस हवा को साफ करता है, इजंट इट? उस हवा में से कचरे को रोकता है एयर फिल्टर। सो एयर फिल्टर का काम है जो रिसर्कुलेटेड एयर है उसे फिल्टर करना। तो पहला, कूलिंग कॉइल के सरफेस को नहीं फिल्टर करता, नो रॉन्ग। सेकेंड वाला है कंडेंसर कॉइल के सरफेस को, नो रॉन्ग। थर्ड वन है एक्सपेंशन वाल्व के सरफेस को, नो रॉन्ग। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन डी ही सही है, इनमें से कोई नहीं। एयर फिल्टर का काम है एयर को फिल्टर करना, एयर को फिल्टर करना, ये ए बी सी में दिया हुआ ही नहीं है एयर को फिल्टर करना। सो करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, इनलेट्स आर यूज्ड फॉर डैश। जो इनलेट्स हैं, ठीक है, इनलेट मतलब ए एच यू के अंदर जो इनलेट होती है, ठीक है, एयर की इनलेट, वो इनलेट, उसे शॉर्ट में इनलेट कहते हैं, मतलब जो रिटर्न एयर का इनलेट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इनलेट ए एच यू के अंदर। सो इनलेट्स आर यूज्ड फॉर सप्लाइंग एयर टू ए एच यू, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। मैंने अब भी आपसे कहा ए एच यू की जो इनलेट की साइड है, जो रिटर्न एयर जहां से आती है या जहां से फ्रेश एयर आती है उस हिस्से को इनलेट कहते हैं। तो इनलेट जो है, इट इज यूज्ड फॉर सप्लाइंग एयर टू एयर हैंडलिंग यूनिट, यही ऑप्शन सही है। तो भी आगे देख लेते हैं, सप्लाइंग एयर टू कंडेंसर, नो। तीसरा ऑप्शन, सप्लाइंग कंडीशनड एयर टू स्पेस, ये तो आउटलेट है, ठीक है, आउटलेट इसे कहेंगे, कंडीशनड एयर को जहां से सप्लाई में भेजा जाता है, सप्लाई एयर डक के जरिए जहां से कंडीशन स्पेस में भेजा जाता है, दैट इज आउटलेट, इनलेट नहीं है वो। एंड डी वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, नो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है इसके लिए, इनलेट्स आर यूज्ड फॉर सप्लाइंग एयर टू ए एच यू। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, हॉस्पिटल्स रिक्वायर, जो हॉस्पिटल्स में एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगती है, हॉस्पिटल्स में आप एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो फ्रेश एयर है, यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं ए बी सी डी, सारे ऑप्शन ए बी सी रिलेटेड टू फ्रेश एयर है। सो हॉस्पिटल्स में जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगती है उसमें फ्रेश एयर कितना प्रतिशत आनी चाहिए? हॉस्पिटल्स में जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगती है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसी हवा को, हॉस्पिटल की हवा में जर्म्स वगैरह, पेशेंट के जर्म्स, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हवा निकाल कर हमें हमेशा ताज़ी हवा लानी होगी हॉस्पिटल के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। हम ज़्यादा हवा को रीयूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हॉस्पिटल के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में अगर थियोरिटिकली पूछा जाए तो 100% फ्रेश एयर का इस्तेमाल होता है। सो द आंसर विल बी 100% फ्रेश एयर यूज होती है हॉस्पिटल्स में, ठीक है। हम हवा को, जो कन्फाइंड स्पेस की हवा है, उसको रिटर्न डक्ट के जरिए वापस से रीसर्कुलेट नहीं करेंगे, हम 100% कोशिश करेंगे फ्रेश एयर ही हम लेके आए बाहर से, एम्बियंट से, हॉस्पिटल्स के लिए। बाकी दूसरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम दूसरी जगह पर हम ज़्यादातर हवा को रीसर्कुलेट या रीसर्कुलेटेड हवा को रिटर्न डक से जो आती है उसे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बट नॉट इन हॉस्पिटल्स।
चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर, जब हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है कन्फाइन स्पेस के अंदर, हीटिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा, जब हीटिंग होगा और ह्यूमिडिफाई भी होगा, मतलब ह्यूमिडिटी भी ऐड की जा रही है, नमी ऐड की जा रही है कन्फाइन स्पेस में, तो उस समय वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर पर क्या असर पड़ेगा। वेट बल्ब टेम्परेचर पहला ऑप्शन है इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज होगा, तीसरा ऑप्शन है रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ना बढ़ेगा ना कम होगा, रिमेन कॉन्स्टेंट मतलब वही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा, एंड चौथा ऑप्शन है कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज, या बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है वेट बल्ब टेम्परेचर। सो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्रीज, वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीटिंग होगी तो कन्फाइन स्पेस का ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा, इजंट इट, कन्फाइन स्पेस का ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ने से वेट बल्ब टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका कनेक्शन जो है वेट बल्ब टेम्परेचर का वो ह्यूमिडिटी एज वेल एज टेम्परेचर के साथ है, तो अगर हीटिंग हो रही है और ह्यूमिडिफिकेशन भी साथ में हो रहा है तो रिमेम्बर उस वक्त कन्फाइन स्पेस की जो हवा है उसका वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है प्रेशर डिफरेंस ऑफ एयर कैन बी मेजर्ड विथ, ठीक है, अगर एयर का प्रेशर डिफरेंस आपको मेजर करना है, से सपोजिंग डक्ट के अंदर, डक्ट के अंदर जो हवा है, ठीक है, सप्लाई डक्ट या रिटर्न डक्ट, ठीक है, डक्ट के अंदर हवा का आपको प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है कि कितना प्रेशर डिफरेंस है एक जगह डक्ट की हवा में और दूसरी जगह डक्ट की हवा में, ठीक है। आपको अगर प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है एयर का तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ऑप्शन ए है थर्मोकपल, ये टेम्परेचर के लिए होता है, ऑप्शन बी है एनीमोमीटर, ये हवा की वेलोसिटी चेक करने के लिए होता है, ऑप्शन थर्ड वन है ह्यूमिडिस्टैट, ये ह्यूमिडिस्टैट ह्यूमिडिफायर एंड डीह्यूमिडिफायर मशीन को कंट्रोल करने के लिए होता है, ह्यूमिडिटी सेंस करने के लिए होता है, ऑप्शन डी है मैनोमीटर, यस ऑप्शन डी सही आंसर है। अगर आपको एयर प्रेशर चेक करना है डक्ट के अंदर या कहीं पर भी, आपको मैनोमीटर यूज करना पड़ेगा, मैनोमीटर इज द राइट आंसर फॉर चेकिंग एयर प्रेशर डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है इन सैचुरेटेड एयर, अगर एयर सैचुरेटेड है मतलब एयर पूरे तरीके से ह्यूमिडिटी से भरी हुई है, जितनी हवा एक तापमान पर ह्यूमिडिटी अपने अंदर रख सकती है उतनी हवा में ह्यूमिडिटी है, तो अगर एयर सैचुरेटेड है तो इनमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। सबसे पहला ऑप्शन ए वाला, हवा में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी सैचुरेटेड एयर में, यस ऑप्शन ए सही है, अगर हवा सैचुरेटेड है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी। ऑप्शन बी है ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, नो ये गलत है, अगर हवा सैचुरेटेड हो चुकी है तो उस तापमान पर WBT एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, WBT ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दोनों सेम होगा, सो ये गलत है, WBT वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन सी वाला है ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल बी इक्वल टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यस ये ऑप्शन सही है, अगर एयर सैचुरेटेड है तो DBT एंड DPT दोनों इक्वल होगा, एंड बोथ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है बी वाला, बोथ ए एंड सी, देखिए मैंने आपसे डिस्कस किया ये दोनों सही है, ये दोनों पॉसिबल हो सकते हैं ए एंड सी, तो इस MCQ के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिकॉज हमने ये दोनों सिलेक्ट किया था एज करेक्ट वन, सो ऑप्शन डी जो था बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय, अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को आपको मेजर करना है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तो इनमें से क्या यूज करेंगे, ठीक है, नॉर्मल थर्मोमीटर, वेट बल्ब थर्मोमीटर, ड्यू पॉइंट थर्मोमीटर या नन ऑफ दिस,
ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो तापमान है जब हवा में मौजूद नमी जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट होती है, ठीक है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हवा के ऊपर डिपेंड करता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से, हाँ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आने के बाद आपको पता चल सकता है कि थर्मोमीटर से कितना टेम्परेचर है, बट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते कि हवा का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना हो जाएगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द टेम्परेचर विच इज नॉट अफेक्टेड बाई डायरेक्ट रेडिएशन एंड मॉइस्चर इज नोन एज डैश। वो तापमान जो ना रेडिएशन से इफेक्ट हो डायरेक्ट सन का रेडिएशन से, ना कन्फाइंड स्पेस में मौजूद मॉइस्चर से इफेक्टेड हो, उस तापमान को क्या कहते हैं? द टेम्परेचर विच इज नॉट इफेक्टेड बाई डायरेक्ट रेडिएशन ऑफ हीट या बाई मॉइस्चर, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? द आंसर इज ऑप्शन डी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर पर ना रेडिएशन का कोई असर होता है ना मॉइस्चर का असर होता है, ठीक है। मॉइस्चर का असर तो वेट बल्ब टेम्परेचर पर होता है। सो आंसर इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। चलिए आगे आइए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, विंडो एसी यूजेस डैश। ये ऑप्शन में मैं ऑप्शन पढ़ सकता हूँ, सारी की सारी एक्सपेंशन डिवाइसेस के नाम लिखे हुए हैं। इन एक्सपेंशन डिवाइसेस में ऐसी कौन सी एक्सपेंशन डिवाइस है जो विंडो एयर कंडीशनर्स में यूज की जाती है? ऑप्शन ए कैपिलरी ट्यूब, ऑप्शन बी है लो साइड फ्लोट वाल्व, ऑप्शन सी है हाई साइड फ्लोट वाल्व, ऑप्शन डी है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। विंडो एसी में जो मैटरिंग डिवाइस या जो एक्सपेंशन डिवाइस यूज की जाती है वो है कैपिलरी ट्यूब। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, कैपिलरी ट्यूब विंडो एसी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन एन एयर वॉशर एयर इट इज पास्ड ओवर हीटेड वाटर इट विल बी डैश। अगर एयर वॉशर के अंदर जो हवा गुजरती है वो हवा को हम हीटेड वाटर के ऊपर से वो हवा को पास करके फिर कन्फाइंड स्पेस में भेजेंगे तो क्या होगा, ठीक है। आप अगर एयर वॉशर के अंदर हवा को गर्म पानी के ऊपर से अगर हवा को पास करेंगे तो हवा इनमें से क्या होगा हवा पर असर? पहला ऑप्शन है हवा हीटेड हो जाएगी और ह्यूमिडिफाइड हो जाएगी, यस ये ऑप्शन सही है। गर्म भी होगी और हवा साथ में गर्म पानी में से ह्यूमिडिटी भी कैरी करके जाएगी तो हवा जो है वो ह्यूमिडिफाइड भी होगी। हवा कूल हो जाएगी, डिह्यूमिडिफाइड हो जाएगी? नहीं हो सकता, गर्म पानी से जब पास करेंगे हवा को तो कूल कैसे होगी। अच्छा तीसरा है हवा जो है इधर ह्यूमिडिफाइड हो सकती है या डिह्यूमिडिफाइड हो सकती है। गर्म पानी उबलते हुए वेपराइज पानी से जब हवा को पास करेंगे तो हवा डिह्यूमिडिफाइड हो ही नहीं सकती, ये गलत है। All of these, last वाला option, all of these processes can happen depending upon the temperature of air, ये भी गलत है, ये सब कुछ हो सकता है। No, हवा जब अगर गर्म पानी के ऊपर से पास करेंगे air washer के अंदर तो हवा जो है वो heat होगी और हवा humidified होगी, यही option A वाला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे next MCQ की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉइल इज कॉल्ड एज डैश। कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है, कूलिंग कॉइल का एवरेज टेम्परेचर थ्रू आउट द कूलिंग कॉइल, ठीक है, उस एवरेज टेम्परेचर को क्या कहते हैं, ठीक है, उस एवरेज टेम्परेचर को कॉइल टेम्परेचर नो, ह्यूमिडिफिकेशन टेम्परेचर नो, ए डी पी, ठीक है, यस। कूलिंग कॉइल का जो एवरेज टेम्परेचर होता है उसको शॉर्ट में, उसको एब्रीविएशन फॉर्म में कहा जाता है ए डी पी, ठीक है। तो ये आंसर जो ऑप्शन सी वाला है यही आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब विल एड डैश। अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन कर दें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन होने से कन्फाइंड स्पेस के अंदर इनमें से क्या ऐड होगा? पहला ऑप्शन है कन्फाइंड स्पेस में सेंसिबल हीट ऐड होगी, यस
ये ऑप्शन सही है, बल्ब ऑन करने से कन्फाइंड स्पेस में गर्मी पैदा होगी, इजंट इट, तो इससे सेंसिबल हीट बढ़ेगी। बल्ब, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, टेलीविजन है, ये सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चालू करने से कन्फाइंड स्पेस के अंदर, कन्फाइंड स्पेस में सेंसिबल हीट बढ़ती है। दूसरा है लैटेंट हीट, नो, बल्ब से कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं निकल रहा है जिसकी वजह से लैटेंट हीट बढ़े। लैटेंट हीट ऐसी चीज़ों से बढ़ती है जिस जिस चीज़ से मॉइस्चर निकले, ठीक है। मॉइस्चर अगर कोई ऐसी चीज़ है, फवारा फॉर एग्जांपल, तो जिससे मॉइस्चर निकल सकता है, कोई स्टीम फॉर एग्जांपल, स्टीम जनरेटर, उससे लैटेंट हीट वैल्यू बढ़ सकती है। सो इलेक्ट्रिक बल्ब से लैटेंट हीट वैल्यू नहीं बढ़ सकती। तीसरा ऑप्शन है बोथ सेंसिबल एंड लैटेंट, नो, लैटेंट तो बढ़ ही नहीं सकती। चौथा ऑप्शन है रैशनल एनर्जी टू द रूम, नो, ठीक है। ओनली आंसर इज सेंसिबल हीट। अगर कन्फाइंड स्पेस में हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन करते हैं तो उससे कन्फाइंड स्पेस की लैटेंट हीट बढ़ेगी। चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है अ कप फिल्ड विद आइस डैश, एक कप है जिसमें पूरा आइस भरा हुआ है, तो उस कप से आप देखिए, ऑप्शन ए है एड सेंसिबल हीट, उससे सेंसिबल हीट कन्फाइंड स्पेस में आएगी, नो, आइस भरा हुआ है, सेंसिबल हीट देगी थोड़ी कन्फाइंड स्पेस में बर्फ, उल्टा सेंसिबल हीट लेगा वो कन्फाइंड स्पेस से, सेंसिबल एज वेल एज लैटेंट हीट, ठीक है, तो नहीं, सेंसिबल हीट बढ़ने वाली नहीं है। दूसरा है रिमूव्स लैटेंट हीट, यस, अब भी मैंने आपसे कहा जो बर्फ है वो तो लैटेंट हीट और सेंसिबल लैटेंट हीट एज वेल एज सेंसिबल हीट लेगा कन्फाइंड स्पेस से। सो यस, अ कप फिल्ड विद आइस जो है वो कन्फाइंड स्पेस से लैटेंट हीट रिमूव कर सकता है, ये बी ऑप्शन सही है। चलिए आइए देखते हैं बोथ सेंसिबल एंड लैटेंट हीट, ये और ज्यादा सही है, ठीक है। जो बर्फ है, जब बर्फ कन्फाइंड स्पेस में रहेगा एक कप के अंदर या ग्लास के अंदर, तो ये सेंसिबल हीट भी ले सकता है, लैटेंट हीट भी ले सकता है। एंड तीसरा, चौथा ऑप्शन जो डी है वो है मैकेनिकल एनर्जी टू द रूम, नो, बल्ब जो है वो, बर्फ जो है वो मैकेनिकल एनर्जी नहीं ले सकता। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जो बर्फ है वो कन्फाइंड स्पेस में से सेंसिबल हीट एंड लैटेंट हीट दोनों एब्जॉर्ब कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है फैन इन एन एसी डक्ट सिस्टम इज यूज्ड फॉर, जो डक्ट सिस्टम होती है सप्लाई डक्ट, रिटर्न डक्ट, उसमें जो हम फैन यूज करते हैं, ब्लोवर यूज करते हैं, वो क्यों यूज करते हैं, ठीक है। द आंसर इज एयर की वेलोसिटी के लिए, एयर की वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, और एयर की वेलोसिटी बढ़ाने के लिए आपको एयर का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा डक्ट के एक सिरे पर एयर का प्रेशर और डक्ट के दूसरे सिरे पर एयर का प्रेशर। जब आप डक्ट के अंदर एयर प्रेशर के अंदर डिफरेंस मेंटेन करेंगे तो एयर की वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो मेन चीज है जो फैन है या ब्लोवर है उसका काम है डक्ट के अंदर प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करना, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना, और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको डक्ट के अंदर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले डक्ट के अंदर हवा का प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके एयर की वेलोसिटी बढ़ेगी और एयर फ्लो होगी। सो फैन और ब्लोवर्स का क्या काम है डक्ट के अंदर प्रेशर बढ़ाने के लिए हवा का। सो यहाँ पर ऑप्शन ई, बी, सी, डी देख सकते हैं आप। ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग एयर प्रेशर, यस, ऑप्शन ए जो है वो सही है। तो भी मैं दूसरा देखता हूँ, बी है डिक्रीज एयर प्रेशर करने के लिए, नो, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, नो, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नो, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सो फैन जो है वो इंक्रीज करते हैं हम फैन को यूज करके प्रेशर को, ठीक है। फैन जो है वो डक्ट के अंदर एयर का प्रेशर बढ़ाता है। आज का पार्ट मैं यहीं फिनिश करता हूं। मैंने 25 MCQs किए हैं ये पेपर से। नेक्स्ट 25 MCQs मैं इसके बाद वाले पार्ट में करूंगा। मैं जल्द ही हाजिर रहूंगा नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए मैं हुसैनी सर, मुझे इजाज़त दीजिए।
goodbye my students and thank you.